हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इंडिया की दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक के बारे में, जो कि अभी जस्ट मैनेजमेंट की ओर से क्वार्टर वन के नतीजे रिलीज हो चुके हैं और नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। बाजार का जो अनुमान और जो एक्सपेक्टेशन था उससे मिले जुले ही नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो नतीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नजर आ सकती है, क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि लास्ट वीक हमने HDFC बैंक के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, जब HDFC बैंक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी 1480-90 रुपए के आसपास, और उस टाइम पे हमने आपको खरीदारी की सलाह दी थी और 1800 रुपए का टारगेट दिया था। अब फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि HDFC बैंक 2300 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2300 रुपए तक के टारगेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से नतीजे निकल के आ रहे हैं और जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट्स के ऊपर, जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, तो मुझे तो इसी तरह के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, HDFC बैंक्स के क्वार्टर वन के नतीजे आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे आपको जो सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेगी वो इन लैक्स में नजर आएंगी, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन करोड़ में। यहाँ पे आपको क्वार्टर वन के नतीजे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे पिछले क्वार्टर फोर के नतीजे नजर आएंगे और यहाँ पे पिछले साल क्वार्टर वन के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि ईयर वन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर किस तरह के नतीजों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो टोटल इनकम निकल के आ रही है इस बार क्वार्टर वन में, वो तकरीबन 36,771 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टोटल इनकम रहा था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप ईयर वन ईयर बेसिस पे देखें तो बढ़ोतरी नज़र आ रही है, जो कि 34,453 करोड़ का पिछले साल क्वार्टर वन में इनकम रहा था। तो यहाँ पे हमें ईयर वन ईयर तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे हमें गिरावट नज़र आ रही है, जो कि उसके पीछे अगर हम रीजंस की बात करें तो शायद फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जब क्वार्टर वन स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे COVID-19 की सेकेंड वेव स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बाज़ार का अनुमान था, जो एक्सपेक्टेशन था, उसके अकॉर्डिंग ही नज़र आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 15,137 करोड़ का यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 15,532 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। लास्ट ईयर की बात करें तो 12,829 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है ईयर वन ईयर बेसिस पे। पिछले साल तकरीबन 6,658 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था और इस बार 7,729 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था, तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें तो गिरावट नज़र आ रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स देखा जाए तो लंबी अवधि के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन छोटी अवधि में नतीजे हल्के से डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं। तो इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट हमें HDFC बैंक में नज़र आए, लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ दिन के लिए साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आती है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और अगर हम NPA की बात करें तो कहीं ना कहीं बाज़ार को ऐसा था कि कोविड की जो सेकेंड वेव है उसके चलते NPA बढ़ सकते, ऐसा कहीं ना कहीं डर था, लेकिन वो डर अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ खास ज़्यादा NPA में हमें बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स देखा जाए तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि पॉजिटिवली ही शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आएगा। और लंबी अवधि के लिए 6 महीने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, 2300 रुपये तक के टारगेट आपको HDFC बैंक दिखा सकता है। फ्राइडे के दिन के कारोबार की सिचुएशन की बात करें तो अच्छी खासी हमें खरीदारी होती हुई नज़र आई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर मैंने HDFC बैंक को सर्च करके रखा है। तकरीबन हमें फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली थी, प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1520 रुपये पे और ओपनिंग देखने को मिली थी 1527 रुपये पे। अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई थी, हाई बनाया 1529 रुपये का, लो देखने को मिला 1518 रुपये का और फाइनली क्लोजिंग 1522 रुपये के आसपास नज़र आई। डलवर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 25,85,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डलेबल क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 11,75,000 क्वांटिटी डलेबल क्वांटिटी नज़र आ रही है। डलेबल परसेंटेज निकल के आ रहे वो 45% के आसपास के डलेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है।
चार्ट्स के ऊपर नज़र करते हैं कि किस तरह के मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, HDFC बैंक का चार्ट मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे। और जैसे हमने यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी लास्ट वीक में, और मैंने 1490-80 के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था और उस टाइम पर मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी। और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 1522 रुपये के आसपास हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको मुनाफा हुआ होगा अगर आपने पोजीशन बनाई होगी। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि HDFC बैंक हो सकता है इसे साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। अगर यहाँ पे 1530 के ऊपर निकलता है और सस्टेन रहता है, या तो फिर डे बेसिस पे क्लोजिंग भी देता है 1530 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे तकरीबन दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ सकता है वो 1545 का, जो कि हल्का सा रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके ऊपर तकरीबन 1600 रुपये तक के टारगेट आपको बहुत ही फास्ट देखने को मिल सकता है। और नीचे के लेवल पर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 1500 रुपये का एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए हो सकता है 1500 से 1530 के अंदर ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 1500 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो फिर से 1480 के आसपास संभलता हुआ नज़र आ सकता है, और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 1460 का। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है। तो ऊपर की तरफ ही आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1545 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ पे 1600 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तकरीबन 1630 रुपये तक के। तो फ्रेंड्स आप इन लेवल को वॉच आउट कर, अपना स्टडी कंडक्ट कर, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। और पोजीशन बना के रखिए तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। जैसा मैंने आपको बताया 2300 रुपये तक के टारगेट आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं HDFC बैंक में से। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंगेज करना ना भूले, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़ीरोधा में या तो फिर अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो भी बंदा हमारी लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करेगा उसको हमारी तरफ से एडिशनल हेल्प भी मिलेगा उसके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।